नमस्कार। आज हम आपको डीएड सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत बोल्ट सेल के बारे में अध्ययन कराएंगे, जिसे बोल्टी सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ने किया था। कब? 1799 में प्रोफेसर एलिजांडो बोल्टा ने किया था। अब हम इस चित्र को देखें, ये बोल्टी सेल है, इसको हम बोल्टी सेल लिख रहे हैं। बोल्टी सेल, बोल्टी सेल के बारे में हम जाने हैं। सबसे पहले जानेंगे कि यह एक कांच का बना बेलनाकार खोखला एक बर्तन होता है। कांच का बना बेलनाकार यानी बेलन के आकार का खोखला बर्तन होता है, यानी केवल बेलनाकार है, यानी ग्लास की तरह कार्य करता है। और इसमें दो छड़े डाल दी जाती हैं। ये पहली छड़ जो दिखाई दे रही है आपको, ये कार्बन छड़ या कॉपर की छड़ के नाम से भी जानते हैं, कॉपर छड़ कहलाती है, जो ये धनोट का कार्य करती है। और इस पर यहां पर पेच कसा होता है, ढीबी वाला पेच कसा होता है, इसके बीच में यहां से तार लगा देते हैं। ठीक। दूसरी छड़ होती है वो जस्ते की होती है, जेड एन जस्ता, जिंक, जेड एन जस्ते की बनी होती है। और उस पर भी एक पेच कसा होता है, उस पेच पर ढीबी के साथ में एक तार लगा दिया जाता है, जो कि निगेटिव का कार्य करता है और ये धनोड यानी धन ध्रुव और ऋण ध्रुव का कार्य। इसके बीच में जब दोनों को डाल देते हैं, इन छड़ों को, उसके बीच में Z2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें जब डाल देते हैं तो इसके अंदर क्रिया होना शुरू हो जाती है। जैसे ही क्रिया होती है, इसमें से क्या है, इसमें हम विद्युत धारा का विद्युत अपघटन क्रिया करा देते हैं। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघटन क्रिया कराते हैं, यानी उभय अपघटन क्रिया, यानी विद्युत धारा जब इसमें प्रवेश की जाती है तो इसमें से एच आयन अलग हो जाता है, एसओ फोर आयन अलग हो जाता है। इसको हम ये बात करें तो कह सकते हैं H2SO4 और ये विद्युत अपघटनी क्रिया का चिन्ह है, यानी उत्क्रमणी अभिक्रिया का ये चिन्ह है। जब इस पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो 2H+SO4 बनता है, 2H+SO4 बनता है। इस पर माइनस के दो आवेश होते हैं, इस पर धनात्मक आवेश होता है, अर्थात ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है और सल्फेट अलग हो जाता है। H2SO4 में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहां कह लीजिए विद्युत धारा, विद्युत अपघटन कह लीजिए, अपघटन। जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें इन तारों में इन जो जो विलयन है H2SO4 का, इसके अंदर विद्युत अपघटन क्रिया होना शुरू हो जाती है। ऐसी ही क्रिया सेम टू सेम हमारे घरों में जो बैटरियां होती हैं, जिसे हम शिक्षा संचायक सेल भी के नाम से जानते हैं, उसमें होती है। और उसमें क्या होता है, H2SO4 पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आने लगती है, SO4 एकत्रित हो जाते हैं और इधर माइनस वाले पर S आयन आ जाते हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव मान हो जाता है, इसका धनात्मक मान हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। गंधक के अम्ल में जलीय विलयन से विद्युत अपघटन के हाइड्रोजन के धनायन यानी एच आयन तथा सल्फेट के ऋण आयन SO4 प्राप्त होते हैं। ये धनायन प्राप्त होता है और इसमें सल्फेट पर ऋण आयन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन के आयन तांबे की प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो जाते हैं। हाइड्रोजन की जो आयन है, इस तांबे की प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो जाते हैं और इस पर धन की प्रबलता हो जाती है, अर्थात धनावेश आ जाता है।
इस प्रकार तांबे की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसे यह धन यह छड़ धन विभव पर हो जाती है और धन ध्रुव पर कार्य करती है। ऋणात्मक SO4 आयन जस्ते की छड़ की तरफ जाते हैं। किस जस्ते की छड़ की तरफ जाते हैं? कौन? SO4 इसकी तरफ जाते हैं और H2 इसकी तरफ जाते हैं। ये समझ लीजिए, ये SO4 चले जाते हैं ठीक, और जस्ते के साथ रासायनिक क्रिया करके उदासीन जिंक सल्फेट बनाते हैं, जिससे जस्ते की प्लेट ब्लेन के सापेक्ष धन विभव पर कार्य करती है। इसको और हम आगे कहेंगे तो ये हो जाएगा SO4 प्लस ZN। इसी क्रिया को हम आगे बढ़ा देंगे, SO4 प्लस ZN तो क्या बनेगा? ZnSO4, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और इस पर क्या था? ये नेगेटिव माइनस के दो आयन थे तो क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकले और इसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। अभी हम कॉपर उसकी क्या कराते थे? सल्फ्यूरिक अम्ल की, जैसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का अम्ल भी कहते हैं। और इस गंधक के अम्ल में 1:9 के अनुपात में, यानी 1 भाग H2SO4 और 9 भाग पानी मिला देते हैं तब इसको बनाते हैं। अर्थात ये कैसे भाग है? तनु हैं, तनु। यानी हमने बताया था अम्ल दो प्रकार के होते हैं, नहीं कोई सा भी अम्ल हो, तनु और शामिल। तनु को डाइल्यूट कहते हैं, अर्थात जिसमें पानी की संख्या मात्रा ज्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। इसमें देखें 9 भाग तो पानी है और 1 भाग अम्ल है, ठीक है ना। और इस बोल्ट का जो विभव होता है 1.0 वोल्ट होता है, बोल्ट होता है विभव, विभव 1.08 वोल्ट होता है। ये ध्यान रखेंगे 1.08 वोल्ट होता है। देख लिया हमने, हमने आपको अपनी वोल्टी सेल का अध्ययन कराया। वोल्टी सेल में हमने देखा कि धन विध्रुव है और धन ध्रुव पर और ये ऋण ध्रुव है, इस पर ये कांच का बना बेलना का बर्तन है, इसमें H2SO4 सल्फ्यूर का अम्ल डाल देते हैं, जिसमें 1 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल और 9 भाग पानी का होता है। ये जस्ते की छड़ धनायन का कार्य करती है और सॉरी कॉपर की छड़ धनायन का और जस्ते की छड़ ऋणायन का कार्य करती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें उभय अपघटनी क्रिया हो जाती है, H2 पोस्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो HIN और SO4 अलग हो जाते हैं। फिर इनकी जब क्रिया कराई जाती है तो SO4 और जिंक के साथ क्रिया करके ZnSO4 बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और विभव इसका 1.08 होता है। इसका आविष्कार 1799 में प्रोफेसर एलेक्सेंडर वोल्टा ने किया था। अभी हमने आपको ये आपको वोल्टी सेल के बारे में अध्ययन कराया, आपने देखा। अब हम आपको अध्ययन करवाने जा रहे हैं शुष्क सेल के बारे में। शुष्क सेल, शुष्क सेल की हम बात करें, शुष्क सेल जो टॉर्च में प्रयोग किया जाता है, जो सेल टॉर्च में प्रयोग किया जाता है उसको हम शुष्क सेल कहते हैं। और शुष्क सेल को आपने देखा होगा, क्या आप जानते हैं कि जो एक सेल होता है उस सेल में कितने वोल्ट होते हैं? जो टॉर्च का सेल है उसके अंदर कितने वोल्ट होते हैं? या हमारी वो दीवार घड़ी होती है उसके, अभी मैंने जो बताया जो इस वोल्टी सेल इसका विभव जो था 1.08 वोल्ट था। और अब हम बता रहे हैं आपको ड्राई सेल के बारे में, बता रहे हैं
डी आर वाई यानी शुष्क सेल, शुष्क सेल अधिकांश है आप सभी ने देखा है आपके घरों में टॉर्च में उपयोग किया है। उपयोग कहां होता है, उपयोग हो रहा है इसका टॉर्च में, टॉर्च, दीवार घड़ी, इनमें उपयोग करते हैं। ठीक, अब हम इसको देखें इसकी संरचना क्या है। ये एक खोखला, एक बेलनाकार ये भी होता है और इसके अंदर इस पर जिंक की प्लेट होती है जिसे मसलन जिंक के नाम से भी जानते हैं। ये जिंक होता है पूरा, ये क्या है, जेड है। अभी हमने आपको गोल्टी सेल पर बताया था कि जेडन जस्ता ऋण विभव का कार्य कर रहा है, हाँ, नेगेटिव कायम कर रहा है और इसके अंदर एक कॉपर की, सॉरी कार्बन की छड़ पड़ी होती है। दिख रहे हैं, और इस पर एक पीतल की टोपी जड़ी होती है, टोपी पीतल या स्टील, ये टोपी होती है और इसको लाख से बंद कर दिया जाता है। इसे बंद कर दिया जाता है, ये लाख, लाख से बंद कर दिया जाता है। ये होता है कार्बन की छड़ है, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस नौसागर का हम बात करें, इसमें जो विलयन भरा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस और नौसागर प्लस नौसागर, नौसागर का सूत्र होता है NH4Cl, NH4Cl प्लस ZnCl2 जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इसे जिंक क्लोराइड के नाम से जानते हैं, क्लोराइड। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, नौशादर और जिंक क्लोराइड का एक लुब्धि बना ली जाती है और इस लुब्धि को इसके अंदर भर दिया जाता है, भर दिया जाता है इस लुब्धि को, जो शुष्क टाइप में होती है हल्की सी गीली और शुष्क टाइप में होती है जो सेल के अंदर भर दी जाती है। और ये छड़ आपकी जो ग्रेफाइट की बनी होती है जो कि धनोड का कार्य करती है, जिसका काम करती है धन का, और ये जस्ते की होती है जो ऋणोद का कार्य करती है। ठीक है, और ये पूरा ही जो है ये जस्ते की जेडन की, जेडन का बर्तन कह दीजिए, का बर्तन होता है, बर्तन टाइप में होती है, जिंक की एक खोखला का बेलन होता है इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर प्लस इसके साथ साथ MnO2 कार्बन, इसमें MnO2 प्लस कार्बन प्लस ZnCl2 की लुगदी और भर देते हैं, ZnCl2 की लुगदी भर देते हैं। ये शुष्क सेल है, इसमें विद्युत अपघटन क्रिया की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये रेडीमेड होते हैं, इनको घर में भी बनाया जा सकता है। आपका सेल डिस्चार्ज हो जाए तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, नौशादर, जिंक क्लोराइड, इनका सॉल्यूशन ला दीजिए, भर दीजिए, और इसके साथ साथ इसमें MnO2 कार्बन, कार्बन तो है ये, और ZnCl2 का भी मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन
और इसको जला दीजिए। इसमें क्या होता है, जब इसके अंदर क्रिया होने लगती है तब क्या होता है कि अब इसकी हम कार्यविधि के बाद में, शुष्क शैल में जस्ते का बेलनाकार खोल होता है, ये जस्ते का बेलनाकार खोल होता है जिसको अंदर वाली दीवार पर नौशादर और गोंद का प्लास्टर और पेरिस से बनी लुगदी भर देते हैं। ये वाली दीवार पर प्लास्टर और पेरिस और नौशादर से लुगदी भर देते हैं जो विद्युत अपघटन का कार्य करती है, विद्युत अपघटन क्रिया कराती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी बोल्टी सेल में, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करती। सांद्र बर्तन के स्थान पर मसलिन के थैली के पिसे हुए कार्बन और मैंगनीज डाइऑक्साइड के ग्लिसरीन की लुगदी को भरी जाती है इसमें धनुर्ति की, जो विद्युत ध्रुवक का कार्य करती है। इस थैली के बीच में कार्बन की छड़ लगाई जाती है, ये वाली कार्बन की छड़। कार्बन की छड़ की लंबाई सेल की लंबाई के बराबर होती है, भाई बिल्कुल इसकी लंबाई के बराबर होती है ये, ठीक। कार्बन की छड़ की लंबाई सेल की लंबाई के बराबर होती है। इसके ऊपर पीतल की टोपी, पीतल या स्टील की टोपी लगा देते हैं। सेल का मुंह लाख लगाकर बंद कर दिया जाता है, ये वाला मुंह लाख लगा दी जाती है और बंद कर दिया जाता है। इसमें एक बोरिक छेद यानी छोटा सा एक छेद अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैसों के निकलने के लिए ऊपर कर दिया जाता है, हल्का सा एक छेद होता है यहां पर जो गैस के निकलने के लिए कर देते हैं। और साधारण सेल के खोल को के कागज के घोल से ढक देते हैं और इसके खोल में लगी खुली रहती है, इसके ऊपर आप आवरण कागज का बना देते हैं, ये आवरण कागज का बना देते हैं, ऊपर प्लास्टर आप पेरिस और लाख लगा देते हैं, फिर उस पर निप्पो एवर रेडी आन प्रकार के सेलों का प्रचार कर दिया जाता है। इस तार पर कार्बन की छड़ और छड़ी पीतल की टोपी का संबंध जस्ते के खोल से कर दिया जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है जिसकी दिशा कार्बन की छड़ से जस्ते की ओर होती है, यानी इधर से और इधर की तरफ होती है, कार्बन की छड़ से जस्ते की ओर होती है। इसकी रासायनिक क्रिया की बात करें, चित्र को आप बना लीजिए फिर मैं रासायनिक क्रिया की बात करता हूं, देख लीजिए आप जल्दी। रख पड़ता हूं मैं इसको, रासायनिक क्रिया को देखें, Zn प्लस NH4Cl2, इसको हमने क्या कहा था, नौशादक। जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनता है और अमोनिया मुक्त हो जाता है NH3 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब देखें Zn1 NH4, तो अब क्या है Cl1 Cl2, अब हम क्या करें, Cl2 है तो यहां दो से क्रिया करानी पड़ेगी। अब NH कितनी हो गई, NH2 और यहां N कितनी है, एक, दो से क्रिया करा दी। अब देखें H कितने हो गए, 4 × 8 और यहां कितने हो गए, 3 × 6 6 × 2 = 8, हमारी क्रिया संतुलित हो गई Cl2 और Cl2, इसको कहेंगे जिंक, इसे नौशादक यानी अमोनियम क्लोराइड, इसको जिंक क्लोराइड, ये अमोनिया और ये हाइड्रोजन है।
फिर क्या होता है, अमोनिया ZN3 गैस छोड़ने से बाहर निकल जाती है और H2O MN2 से क्रिया करने पर जल बनाती है। आगे क्रिया का स्टेप क्या होगा, H2, ये आगे क्रिया H2 प्लस MnO2 MnO2 से जब क्रिया करते हैं तो Mn2O2 प्लस H2O बनता है। अब देखें H2 एक Mn1 और Mn2, तो यहां कितने से क्रिया करानी पड़ेगी, दो से करानी होगी। जब Mn क्रिया दो से करानी होगी तो क्या हो जाएगा, O कितने हुए, दोनों चार, O कितने हैं दो, तो यहां अब दो तो ये O हो गए और Mn कितने हुए दो, तो दो से क्रिया करा दो। H2 Mn2 दोनों चार दो, तो यहां फिर दो से क्रिया करानी होगी। अब Mn कितने हो गए दो और दो चार हो गए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितनी होगी दोना चार, तो यहां दो से क्रिया करानी होगी। ये क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड और जल मुक्त हो जाता है। अगले स्टेप में MnO2 वायु में ऑक्सीजन लेकर पुनः MnO2 से बदल जाता है। फिर अगले स्टेप क्या होगा कि Mn2O2 प्लस O3O2 जब क्रिया करेगा तो MnO2 बनाएगा Mn2 है, Mn कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, तो यह क्रिया दो से करा के देखें, ऑक्सीजन दो आ रही है, तो यहां पर क्रिया करा दें, सबसे पहले दो से करा दें, Mn तो हो गए, तो Mn दो दुना चार, तो यहां चार से क्रिया करा दें, ऑक्सीजन देखिए तो दो चार, चार और दो छह, और यहां कितने हो गए, चार दुनी आठ हो गया, तो यहां पर दो से क्रिया करानी पड़ेगी, दो दुना चार और दो दुना चार आठ हो गए, चार दुनी आठ हो गए, मैग्नीज ऑक्साइड हो गए, ये क्रिया हो गई। इस प्रकार जब नौशादा समाप्त हो जाता है तब सेल कार्य करना बंद हो जाता है, जो सेल के अंदर ये नौशादा है ये समाप्त हो जाता है, सेल कार्य करना बंद होता है। अब इसमें एक मुख्य बात है, इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.0 1.5 वोल्ट होता है, ध्यान से ही नोट करें, इसका विद्युत वाहक यानी इसमें कितने वोल्ट विद्युत धारा होती है, विद्युत वाहक बल 1.5 यानी 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है, और इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर, टॉर्च, कैलकुलेटर, बिजली की घंटी, टेलीफोन, फ्लैश लाइट आदि में इसका किया जाता है, और ज्यादा दिन रखने पर जब ZnCl यानी NH4Cl नौशादा तब तो सूख जाता है, तो ये कार्य करना बंद कर देता है, यानी ये रिचार्जेबल सेल नहीं है, इसको पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ये एक बार रिचार्ज कर लिया तो इसको पुनः रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, और फिर इसको दोबारा इसको यूज में नहीं ला सकते, फिर दोबारा इसमें नौशादा जिंक सल्फेट जो भी ये विलयन है वो भरना पड़ेगा। आज हमने आपको वोल्टीय सेल और ड्राई सेल यानी शुष्क सेल के बारे में अध्ययन कराया, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कराया, ये शुष्क सेल है उसमें विद्युत अपघटन क्रिया होती है, उसका विद्युत वाहक बल 1.08 होता है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है, और इसमें कार्बन की केवल एक छड़ होती है, उसमें कार्बन रिश्ता की दोनों छड़े होती हैं, और उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसमें नौशादा जिंक और इनका प्रयोग किया जाता है, इसकी क्रिया होती है, इसके बारे में अध्ययन कराया। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको समझ लिया होगा और आप इसका चित्र बनाएंगे और अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।